नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के बिलासपुर में शुरू होने वाले श्री कपाल मोचन मेले की व्यवस्थाओं को लेकर संस्थापक रामस्वरूप ने सवाल उठाए हैं। इसको लेकर उन्होंने जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा से मुलाकात की। उन्होंने उपायुक्त राहुल हुड्डा से मेले में संत समाज की ओर से भंडारे का आयोजन करने के लिए उपलब्ध जगह को निःशुल्क किए जाने की मांग की। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साधु संत समाज को आश्वासन दिया था कि मेले में भंडारे लगाने और उनके रहने की निःशुल्क व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कहने के बावजूद भी यहाँ इसके पैसे लिए जाते हैं। वहीं जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा ने कहा कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए रामस्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि देश में हर जगह जो भी मेले लगते हैं वहाँ देश के कोने कोने से साधु संत समाज के लोग आते हैं, जहाँ पर उनके लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क होती हैं। केवल यमुनानगर में ही श्री कपाल मोचन मेले में उनको हर साल भंडारे लगाने के लिए भी 5,000 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि इस बारे में उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वे सरकार से इस बारे में बात करके साधु संतों के लिए निःशुल्क व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन आज जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा से मुलाकात के बाद भी साधु संत समाज की मांगों पर इस तरह का विचार विमर्श जिला प्रशासन की ओर से नहीं किया गया। ब्रह्मचारी रामस्वरूप ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब की बार साधु संतों से भंडारा लगाने के नाम पर किसी भी तरह का कोई पैसा लिया गया तो पूरा साधु संत समाज इस मेले के विरुद्ध आवाज उठाएगा और प्रदर्शन करेगा। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। रामस्वरूप ब्रह्मचारी। और डेजिग्नेशन क्या है सर पूरी? मैं संत महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज DC साहब के पास आप लोग आए थे, क्या बातचीत रही, आखिर क्या मांग थी आप लोगों की और उस पर क्या विचार हुआ? पहले कई वर्षों से चल रही थी, लेकिन पिछली बार हम CM साहब से मिले थे। CM साहब ने बोल दिया था कि अगली बार किसी लंगर वाले से पैसे नहीं लिए जाएंगे, इसको फ्री कर देंगे। और कंवरपाल मंत्री जी भी थे और अब की बार DC साहब कह रहे हैं कि हम सोच के बताएंगे। तो सर किस पर्पज के लिए आप जो है वो ज़मीन लेते हैं यहाँ पे? साधु संत जो आते हैं पूरे देश से वो यहाँ पर लंगर भंडारे चलाते हैं और फ्री में निःशुल्क सबको खुवाते हैं। मैं चाहता हूँ उनको और पूरे देश में कहीं भी लंगर भंडारे कुंभ जैसे मेले होते हैं फ्री होती है जमीन। वहाँ एक कपाल मोचन मेला ऐसा है जो यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं तो और यहाँ के मेंबरों ने भी जो सैन बोर्ड के मेंबरों ने सारे लिख कर दे दिया है कि हमने कोई इतराज नहीं, फ्री करो इसको, उन्होंने भी लिख कर दे दिया। तो क्या यहाँ के जो जिला प्रशासन अधिकारी है क्या वो क्या कह रहे हैं? जिला प्रशासन अधिकारी कह रहे हैं हम सोचेंगे, शाम को बताएंगे। तो मेला कब से शुरू है? मेला तो हमारा तो पहले शुरू हो जाता है, 1 से शुरू हो गया, 6 दिन का मेला लगते हैं हमको। तो अभी आपने जो जमीन है वो किराए पे ली है? मेरा तो अपना आश्रम भी है यहाँ, लेकिन सब संतों ने किराए पे लेते हैं। अभी तो पर्ची नहीं कटी किसी की, हमने इसलिए बोले सबको अभी पर्ची मत कटाओ, जब कोई बात होगी फैसला होगा तब कटवाएंगे। तो अभी जैसे साधु संत समाज है जो लोगों की निःशुल्क सेवा करते हैं, तो अभी उनको जो है रेंट पे लेके अपना जो है भंडारा चलाना पड़ता है? रेंट पे लेके जमीन के पैसे देते हैं, पानी के पैसे देते हैं, बिजली का पैसा देते हैं, जो बिजली भी फ्री होनी चाहिए, पानी फ्री होना चाहिए और लंगर चलाने के लिए जगह फ्री देनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या साधु संतों की कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अभी प्रशासनिक अधिकारी DC साहब से भी बात हुई है तो क्या लगता है? प्रशासन अधिकारी ने बोले है DC साहब ने कि हम इसका विचार करते हैं। कब तक विचार किया जाएगा? शाम तक बोल रहे हैं आज। तो लगता है कि हो जाएगा समस्या का समाधान? होना चाहिए, लेकिन अब की बारी एक अच्छा काम हो गया, लाइट भी अच्छी लगी है यहाँ, तालाब भी सारे साफ कर दिए हैं, सफाई भी अच्छी है और पहले से बेहतर बन रहा है वैसे। लेकिन ये साधुओं को बस एक मेरी प्रार्थना है कि फ्री जमीन दें। सरकार का विरोध करेंगे, प्रशासन का विरोध करेंगे। तो क्या लगता है कि हर बार आपको जो है यहाँ पर भंडार लगाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? हर बार ही देने पड़ते हैं पैसे। कितने पैसे दिए जाते हैं, कितना रेंट लेते हैं? जुगाजो के हिसाब से लेते हैं तो सस्ती है ये, 5,000 रुपये किला लेते हैं और एक एक व्यक्ति से 20-25 हज़ार रुपये लेते हैं संतों से। जबकि आप अन्यथा और जगह भी जाते हैं मेले में, सब जगह फ्री मिलता है, कुंभ जैसे मेले में फ्री मिलता है, तो केवल बिजली भी फ्री मिलती है कुंभ में। तो केवल यमुनानगर में ही ऐसे क्यों हो रहा है? अपने कपाल मोचन में ऐसा हो रहा है और सरकारी मेला हो गया और उससे ज्यादा खतरनाक हो गया। तो अभी साधु संतों से भी निःशुल्क कोई ऐसा विचार कर रही है? साधु संतों चाहते हैं विचार, पीछे CM साहब ने बोला था कि हम आपको निःशुल्क देंगे अगली बार। और CM साहब बहुत अच्छे इंसान है और कंवरपाल मंत्री जी ने तो पीछे मेहनत करके लगवाया था मेला भी, उसका भी धन्यवाद। तो अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और सब प्रेस में बोलेंगे और आंदोलन भी करेंगे। साधु संत सब रुष्ट नहीं मानेंगे तो।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।